बहरहाल अभी हमने फर्स्ट सिंपली इसको इसको हम लोग देखेंगे, इसका पार्ट देखेंगे इसके अंदर कि ये चीज क्या है। देखिए मैंने इसके लिए आपको बताया था कि ये इनसाइड लोकल आईपी एड्रेसेस हैं, ये इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेसेस हैं, और इसी तरीके से ये वाले हमारे पास जो है आउटसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेसेस हैं, ये इनसाइड लोकल आईपी एड्रेसेस। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ इसकी नस्बत से वो, ठीक है, तो नेट के अंदर हमने आज कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं तो हमारे पास चार तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्टैटिक, स्टैटिक नेट। स्टैटिक नेट क्या होता है, ठीक है ना, स्टैटिक नेट के अंदर ये होता है कि एक आईपी, सिंगल आईपी, मैं इसको कहता हूं ये आपके पास प्राइवेट आईपी, कौन सा है ये प्राइवेट आईपी, ये कौन सा है प्राइवेट आईपी, ये वाला जो है ये मैप होता है किसके साथ, पब्लिक आईपी के साथ, किसके साथ पब्लिक आईपी के साथ। हमारा टास्क ये था कि आईपी को सेव करना, आईपी को उसकी उसकी जो है ना एक्सेशन को कंट्रोल करना है, एक्सेशन को कंट्रोल करना, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग जो है यानी ये वाला 192.168.1.2 को मैप कर देंगे 1 to 1 किसके साथ, 3.3.3.1 इसके साथ करेंगे। इससे ये होगा कि ये वाला तो जनरल है लेकिन ये वाला आईपी जो है ये आप ये वाला आईपी को आप लोग रीयूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये इंटरनली, ठीक है, तो ये हमारे पास आती है यानी स्टैटिक नेट। आप देखें इसका इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, तो कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका इसकी होती है ग्लोबल मोड के अंदर, इसके अंदर होती है जैसे मैं रखता हूं आर वन, ये मेरे पास आर वन है, आर वन है और इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर गया हूं। मैं इसकी लैब भी एक तैयार करके साथ में दूंगा आपको, इसके अंदर मैं नेटवर्क को बना के उसके अंदर जो है इसको चारों को कॉन्फ़िगर करके आपको बताऊंगा, ठीक है। लैब वन के अंदर मैं इंशाल्लाह इसके अंदर आपको ये मेंशन करके इस तरह के दूंगा। अब हमारे पास ये चीज आ गई आर वन, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले आई पी नेट इनसाइड सोर्स, सोर्स स्टैटिक, और यहां पर हम क्या करेंगे वो प्राइवेट आईपी, कौन सा प्राइवेट आईपी, अब लिखेंगे 192 सोर्स स्टैटिक 192.168.1.2 या इसे 2 कर दें, उसको आप मैप करते हैं किसके साथ, अगला आएगा 3.3.3.3.1 के साथ, 3.3.3.1 के साथ, ठीक है। ये आपने की यानी
इसको इसके साथ क्या किया, मैप किया, क्या किया, मैप किया, सही है। अब इसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे, क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट ऑन इंटरफेस। इंटरफेस के लिए हम क्या करते हैं, ये R1 है, ये R1 है हमारे पास, इसके अंदर जब हम ये करते हैं कॉन्फ़िग ग्लोबल में जाकर करते हैं इंटरफेस एफ ए, ये मैं 0/1 कर देता हूँ, एफ ए 0/1, ठीक है। जब मैंने इसकी ये चीज ली तो इसके साथ मैं क्या करता हूँ, इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ आईपी नेट इनसाइट, ये इनसाइड नेटवर्क है आपके पास, ठीक है ना। इसके बाद एग्जिट कर दें, एग्जिट कर दें, और इस जगह पर आप क्या करें, ये आर वन कॉन्फ़िग में जाते हैं इंटरफेस, ये सीरियल 0/0, ये 0 है, 0/0 है, ये आप करते हैं R1 में, R1 कॉन्फ़िग इंटरफेस टर्मिनल में चला जाता है, ठीक है ना। वहां पर मैंने नहीं रखा, मैंने जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा आईपी नेट आउटसाइड, ये नेट कॉन्फ़िगर हो गई, नेट कॉन्फ़िगर हो गई। यहां पर जो निकाल रहा था तो यहां पर क्या था हमारे पास R1 कॉन्फ़िग, ठीक है। इस तरीके से ये स्टैटिक नेट हमने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। क्या लेते हैं, DY9 डायनेमिक नेट के अंदर इसका पूल, इसका हम क्या कर देते हैं, ये जो साइड है यानी इस साइड के ऊपर जो पब्लिक आईपी है, आईपी से उनका हम पूल बना देते हैं, कोई पूल बना देते हैं, पूल उसका कोई नाम होगा, उसका कोई नाम होगा। मैं जैसे आपका कर देता हूँ जी BCS6A करता हूँ, मुझे भी कर देता हूँ, ठीक है। और इस पूल के अंदर जो है ना वो मैं पब्लिक आईपी डाल देता हूँ कि वो 3.3.3.1 से लेके 3.3.3.15 तक या 16 तक, आपकी मर्जी, टाइम तक कर दें, ठीक है। ये हम बनाना चाहते हैं, सही। जब इसको हम डिप्लॉय करेंगे तो डिप्लॉय करने के लिए और साथ में यहां पर हम क्या कर देते हैं कि ये जो प्राइवेट आईपी होते हैं, कौन से प्राइवेट आईपी जो हमारे पास होते हैं, ये जैसे 192.168.1.0 है, 1.1 से लेके मैं कहता हूं यहां पर 192.168.1.254 तक आप देखते हैं, तो ये प्राइवेट आईपी की हम एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट बनाएंगे, एक्सेस लिस्ट। और कौन सी बनाएंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे, कौन सी बनाएंगे, स्टैंडर्ड बताऊंगा बाद में, इसके अंदर ये 1 से लेकर 99 तक इसकी वैल्यू होती है, 0 से लेकर 99 तक वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये काम हमने करना है अभी, तो चलते हैं, सही है। सबसे पहले मैं इसके मुतालक बनाता हूं, सही है, इसके मुतालक जो है वो मैं बनाता हूं। तो ये मेरे पास R1 कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर इसको बनाता हूं, तो फिर उसमें क्या कर दूंगा,
एक्सेस लेस 10, 10 मीन स्टैंडर्ड, उसकी वैल्यूएशन आने तक करिए। परमिट क्या आएगा मेरे पास, परमिट करना चाहता हूं 192.168.1.1 से लेके, ठीक है, 2 डबल, इसके बाद वाई कार्ड क्या लिखूंगा, वाई कार्ड 0.0.0.2 डबल, ये वाइट कार्ड इस्तेमाल, ठीक है। तो ये इसकी एक्सेस लिस्ट हमने बना दी, अब इसके साथ हमने क्या करना है, इस पूल को भरना है, तो वही हमारे पास आएगा R1 कंप्यूटर टर्मिनल के अंदर, यहां पर कर देते हैं आईपी नेट पूल, और पूल का नाम क्या है, BCS6 बी या ए कर दो, ए कर दो या बी कर दो, अपनी मर्जी है, वो BCS B आईपी नेट पूल, पूल का नाम BCX, ठीक है, और उसकी जो है वो हमारे पास आती है रेंज आती है, ठीक है, वो क्या है 3.3.3.1 से 3.3.3. कितना होगा 10 कर देता हूं, सही, ये हमने लिख दी। अब इसके अंदर में हमने नेट मास्क वो कितना होगा 2.55, 2.55, 2.55, ये हमने क्या कर दिया, इसका पूल के ऊपर हमने ये बना दिया, सही है। अब हमने इनको मैप करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्या करना है, मैप करना है, मैपिंग करना है। मैप करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा R1, यही कंफिग, यहां पर हम क्या लिखेंगे, आईपी नेट इनसाइड एसओ सोर्स लिस्ट 10 पूल BCS 6B, यह हमने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद डिप्लॉयमेंट है, इसके बाद क्या है, डिप्लॉयमेंट R1 के अंदर के कॉन्फ़िगर इंटरफेस FS0/1 और इसके साथ हमने क्या लिखा, FS0/1 और यहां पर रखेंगे आईपी नेट इनसाइट, आईपी नेट इनसाइट और
इससे R1 से हम लोग कॉन्फ़िगर इंटरफेस के साथ एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे और ये R1 के साथ कॉन्फ़िगर इंटरफेस ये सीरियल है, सीरियल 0/0 और यहाँ पर क्या कर देंगे वही चीज रिपीट होगी, इसके साथ भी करेंगे R1 क्या जाएगा के साथ हम लोग जो ही आएगा ना हमारा, हम इसके साथ लिख देंगे IP नेट आउटसाइड। यहां पर अगर सही नजर नहीं आता तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये यहां पर लिखता हूं IP नेट आउटसाइड। ये चीज कहां पर है, ये इस इंटरफेस के साथ कहां पर है, इस इंटरफेस के साथ है, ये कहां पर है इस इंटरफेस के साथ। विद पैट का विद पैट, अब हमारा टास्क डायनेमिक नेट विद पैट कर देते हैं। इसके अंदर दो यानी ये तीसरा पॉइंट हमारे पास, हम नेट विद पैट कर देते हैं तीसरा है, एक इसके साथ जो है मल्टीपल प्राइवेट IP जो है मल्टीपल प्राइवेट IP जो है विद पोर्ट, ये मैप होते हैं सिंगल IP और इंटरफेस विद मल्टी पर पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होती हैं, पोर्ट्स बेसिकली हमारे पास क्योंकि पोर्ट्स जो होती हैं हमारे पास वो 2 की पावर 16 यानी कि 65,536 होती है, सही है ना, ये पोर्ट्स होती हैं। और इस पोर्ट्स के अंदर हमारे पास कुछ रिजर्व होती हैं, जैसे आपने पोर्ट्स देखी टेलनेट के लिए, टेलनेट के लिए पोर्ट हमारे पास 23 है, FTP के लिए हम लोग 20-21 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, और HTTP के लिए 80, HTTPS के लिए 443 इस्तेमाल करते हैं। ये पोर्ट्स हैं, अब इसके साथ हम लोग जब इसको कम्युनिकेट करवाएंगे, कम्युनिकेट करवाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे कंसेशन इसके लिए तरफ आते हैं R1 में, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में है, ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं जी एक्सेस लिस्ट, लिस्ट इस पैसे पर जाने ना, मैं इसको पैस कर देता हूँ 10 पर मिनट 192.168.1.255.255.255.0 यहाँ पे वर्कर मास होता है 0.0.255, ठीक है, कि हमने इसको ले लिया।
अब इसके साथ हम क्या करते हैं, मैप करते हैं, हम लिखते हैं आईपी नेट इनसाइड आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 ठीक है। सोर्स लिस्ट आपकी कितनी आती है 10 और इसके साथ में ही आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 और इसके साथ सोर्स लिस्ट आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 और इंटरफेस इंटरफेस ये वाली सीरियल सीरियल 0/0 ओवर ओवर यहां पर आप आईपी भी देख सकते हैं 1.3.3.3.1 भी देख सकते हैं बरूल ये ज्यादा है ये इस्तेमाल करें ज्यादा करें इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है इसमें हमारे पास भी आती है हमारे पास कॉन्फ़िग इंटरफेस इंटरफेस यूज़लेस 1 R1 कॉन्फ़िग वेब यहाँ पर आएगा आईपी नेट इनसाइड और इसे ना एक्सेप्ट ये डिप्लाई होगी यहाँ पर और यहाँ पर आएगी हमारे पास एक्सेप्ट करेंगे तो आएगी R1 कॉन्फ़िग इंटरफेस ये सीरियल 0/0 R1 कॉन्फ़िग ये मैं लैब करवाऊंगा इसकी लैब में सारी चीजें आपको पैकेट ले सकते हैं GNS3 के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ यहाँ पर आती है हमारे पास इसको हम लेते हैं जी आईपी आउटसाइड ठीक है ये चीज हमारे पास आती है नेट पैड इसके अंदर हमारे पास नेट एंड पैड के साथ जब हमने इसको देखा तो इसके साथ हमारे पास आता है यानी कि ये मल्टीपल आईपी मल्टीपल आईपी आईपी जो भी ये प्राइवेट ना पोर्ट नंबर ये मैप होंगे मल्टीपल पूल आईपी विथ
ठीक है। अब देखें, सबसे पहले हम वही चीज करेंगे, आराम के साथ हम क्या करेंगे, अपनी कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग आराम के साथ करते हैं, एक्सेस लिस्ट परमिट किसको 192.168.1.12.0.0.0.255 का मास है, ठीक है। और इसके बाद ये चीज हमारे पास आती है, हम पूल बनाएंगे आईपी नेट पूल BCS 6A इसके अंदर कर देते हैं 6A .3.3.1.2.3.3.3.10 net mask .0 ठीक है। आप इसको मैप करते हैं, आप इसको इन दोनों को मैप करते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को मैप करते हैं। मैपिंग के लिए आई पी नेट इनसाइट इनसाइट 10 sourceless 10 pool BCS 6 overload BCS 6 10 overload ये अवर लोड बेसिकली डिप्लाई करता है। अब इसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर काम बेसिकली ये होगा कैसे, ये आईपी आएगा, इसने कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना, ये कम्युनिकेट करेगा विद पोर्ट में, कहता हूँ 7000 के साथ, इस पोर्ट के साथ दे देगा 7000। नेक्स्ट जो आएगा हमारे पास ये 7001, इसी के साथ वो 7001 के साथ, सही है। और
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हमारे पास एक आता है 192.168.1.254, तो हो सकता है वो वहाँ पर इसके साथ करे 3.3.3.9 के साथ 9 के साथ, और यहाँ पर क्या उसकी पॉड कौन सी होगी, पॉड हो सकती है फॉर एग्जाम्पल उसकी पॉड जो है वो 1700 इस्तेमाल कर रहा, इसकी पॉड क्या जाएगी फॉर एग्जाम्पल ये 7000 ये 5000 आ जाता है, 5000 के साथ ये पोर्ट्स के थ्रू जो है ना मल्टीपल जो है ना आई पी जो है यानी एक आईपी मल्टीपल इनके साथ भी करेगा, ठीक है ना, एक पोर्ट के एक आईपी के साथ ही मल्टीपल पोर्ट्स आ सकती हैं, मल्टीपल पोर्ट्स आ सकती हैं, और इसके अलावा और भी पूल के अंदर इस्तेमाल कर सकता है, आपने 10 लिए, 2 लिए, 3 लिए, तो ये हमारे पास नेट का बेसिक कंसेप्ट था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा।